चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा की तथा कहा कि टेस्टिंग तथा कोरोना के इलाज में बेहतर कार्य करने वाले टेक्नीशियन और नर्सों को सम्मानित किया जाए, जिससे उनकी हौसला अफजाई हो सके। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने कहा, जिले में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित चिकित्सक मौजूद रहे। आपकी कैपेसिटी है मुझे मालूम है, इसमें 10% एक्सेस में सैंपल्स रखते हैं, जिससे सैंपल्स की कमी ना पड़े। वो 1000 सैंपल है, कुछ स्पिलओवर हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो 1000 सैंपल है, लेकिन 1500 भेजने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा रहता है, हमारे पास बैकअप रहता है सैंपल्स का। सर, थोड़ा मैं ये बताना चाहूंगी, आज हमारी NIV कोविड वॉरियर टीम ने 50,000 टेस्ट हमने पूरे कर दिए हैं सर, एंड वी आर हैविंग अ स्मॉल फेलिसिटेशन पार्टी आल्सो फॉर देम फॉर मोटिवेटिंग देम, सो वी आर गोइंग टू मोटिवेट आवर कोविड वॉरियर्स टू द। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया है, इसमें आपको बधाई। और आपके टेक्नीशियन कौन सबसे कॉम्पिटेंट है, क्या वो आए हुए हैं आज? जी सर, ये हमारे साथ ही बैठे हैं सर, नमस्कार। ये टेक्नीशियन कार्डर से कौन ऐसे आपके वॉरियर हैं जिन्होंने बायो सेफ्टी कैबिनेट के अंदर बैठ के टेस्ट लगाए? जी सर, जी सर, नमस्कार सर, कौन है? नमस्ते, आप अपना नाम बताइए टेक्नीशियन साहब। सर, मेरा नाम ब्रजभूषण है सर। ब्रजभूषण, ओके। यस सर, मैं जूनियर टेक्नीशियन। क्या डिग्री हासिल की है सर? मेरा MSc माइक्रोबायोलॉजी है सर। MSc माइक्रोबायोलॉजी किस यूनिवर्सिटी से किया आपने? सर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से सर। मेरठ से? मेरठ, यस सर। ओके, शाबाश। और कितने आपने टेस्ट लगा लिए अब तक खुद बैठ के बाहर सेफ्टी कैबिनेट? सर, पर डे 188 सैंपल मैं आगे का करता हूँ, 4.5-5 घंटे लगते हैं उसमें एक बार में, वन टाइम। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम करते रहिए। आप अपने इन्फेक्शन को जरूर बचाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो अभी लंबा काम चल रहा है। नहीं सर, मैडम जी, सपोर्ट है, पूरी पीपी किट मिलती है पहले के लिए सर, कंप्लीट N95 मास्क, पीपी किट सर, मैडम के साथ काम कर रहा हूँ मैं, पर पिछले 20 साल से सर। अच्छा, ठीक है, तो मतलब घर में बता देना कि इस समय तुम जो है देश सेवा में लगे हो। आप लोगों ने जो है वो 23,500 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट लगाए और टोटल 27,000 के ऊपर आज हमारा है। इसमें जो आज मैंने देखा लगभग ऐसी 12 लैब्स हैं जिन्होंने 1000 प्लस टेस्ट किए और 3 लैब्स ऐसी हैं जिन्होंने 2000 से ज़्यादा टेस्ट लगाए हैं, और ये कुल मिला के एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा अभी बताया बाकी स्पीकर्स ने, कि इसमें कंसिस्टेंसी इज द की। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी हो हमारी, वो ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, हमने आज लगाए 1000 टेस्ट और कल 500 पे आ गए, तो वो हमारा काम नहीं बनता है। एक सिस्टम ऐसा बनाना है प्रोफेशनली, वो साइकिल ऐसी बनानी है जिसमें सैंपल कलेक्शन, उसके बाद उसको खोलना, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, टेस्टिंग एंड देन डेटा अपलोडिंग, हर चीज इतने सिस्टमेटिकली हो कि वो चीज़ें स्मूथली हो जाए। और इसमें जो लैब के चीफ हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरी एक्सरसाइज को प्रोफेशनली करने के लिए। कंज्यूमेबल्स की शॉर्टेज ना हो, किट्स की शॉर्टेज ना हो, ये भी बहुत जरूरी चीज है। इसलिए जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए वेरी की पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। बैकअप मैन पावर की बात जो सेक्रेटरी साहब ने कही वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुनीति, आप इसको कोऑर्डिनेट कर रही होंगी, कहीं भी किसी भी लैब में जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मिलके आप एडिशनल मैन पावर ले लीजिए। मशीन सब जगह पहुंच गई है, किट्स पहुंच गए हैं। एक एनालिसिस मैंने करने के लिए कहा था कि कितने दिनों के किट्स बचे हैं हमारे पास, बिकॉज वी विल फेस द सेम प्रॉब्लम आफ्टर ए मंथ, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। पूरी कर रहे हैं, उसकी वजह से किट्स पे हमारा इकोनॉमाइजेशन भी हो रहा है। एंड पूलिंग हमको आगे बरकरार रखनी है, 2000 के आसपास पूल्स लग रहे हैं पर डे, कल और भी ज़्यादा लगे हैं, उससे भी हमारी जो है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।
और वो एक अच्छी बात है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको बायोसेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जैसे अभी एनआईवी केक काट रहे हैं, उस दिन हम लोगों ने यहाँ पर केक काटा था, डॉक्टर अमिता जैन ने 1 लाख पूरे किए थे, और मुझे लगता है कि और भी कई होंगे जो अब उस लाइन में चल रहे होंगे क्यूमुलेटिव में। व्हाट आई विल सजेस्ट टू एवरीबॉडी, जब भी आपके यहाँ 50,000, 1 लाख इस तरह के माइलस्टोन्स क्रॉस होते हैं, तो कोई सेलिब्रेशन एक आपके लैब पर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इज द टीम स्पिरिट विच प्रिवेल्स एंड विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर टीम के रूप में काम करेंगे तभी इतनी बड़ी जो ये गोवर्धन उठा रखा है आपने वो आप उठा सकेंगे, ठीक है। उसमें वो काम उस तरीके से करना है। अभी और भी हम लोग एक लैब्स को टेकअप करेंगे, और आज इस मौके पर मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन उनके साथ में जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, और बहुत से टेक्नीशियंस भी एक्चुअली दे आर ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बट मैं फैकल्टी की बात कर रहा था, फैकल्टी के साथ साथ जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और इसमें आज सुबह अभी माननीय मंत्री जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज में जो भी 3 ऐसे फैकल्टी के टॉप लोग होंगे जिन्होंने कोरोना वैरियर के रूप में काम किया होगा, तो 24 जनवरी को यूपी दिवस होता है, उसमें वो हर मेडिकल कॉलेज से 3 जो ऐसे फैकल्टी मेंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, उनको वो पुरस्कृत करने की सोच रहे हैं। और उसमें जो है वो मोमेंटो भी होगा, उसमें फिर कैश प्राइज भी होगी, और कुछ रूप से हम लोग बात कर रहे हैं वो CSR फंड से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसी क्रम में अब ये जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, अब मुझे लग रहा है आज बात करके कि इनको भी हमें सम्मानित करना चाहिए, टेक्नीशियंस नर्सेस जो अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज हमने कहा था टेक्नीशियंस को भी बुलाने के लिए। आई होप जो आपके अच्छे टेक्नीशियंस हैं, दोज हु हैव डन अ ह्यूमन सर्विस इन द लास्ट 90 डेज, दे आर प्रेजेंट टुडे, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट and express my gratitude to the entire team of technicians who have worked 24/7 to make this endeavor a success. और अभी हम लोग सिर्फ आधे रास्ते पे हैं, अभी रास्ता बहुत लंबा है, और आपको उस तरीके से काम करना है। आगे हमारे पास कुछ RT-PCR मशीनें और आ रही हैं, हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक RNA extractors ICMR से और आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट 10 जुलाई को 10 लैब्स, आई थिंक 7 लैब्स को क्रियाशील कर रहा है, तो BSL-2 7 लैब्स प्लेसेस लाइक अलीगढ़, प्लेसेस लाइक मुरादाबाद, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की ये 10 तारीख को 7 लैब्स और आ रहे हैं, टू बिगिन विद 700 पर डे का वो एक इंक्रीमेंट हमको मिलेगा। अगस्त में हमारे पास 2 कोवास मशीन आ रही हैं, एक कोवास मशीन 8800 प्रयागराज में आ रही है और एक 6800 KGMU में आ रही है। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो लगभग 5000 पर डे की टेस्टिंग कैपेसिटी ये 2 कॉलेजेस से हमारी बढ़ेगी आगे जाके, लेकिन ये 15 अगस्त के बाद ही हो पाएगा। तब तक के लिए अभी हम लोगों को ये जुलाई में प्लान आउट करना है कि जुलाई में हम लोग कैसे अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, व्हाट एडिशनलिटीज कैन बी प्लान सो दैट वी कैन गो अहेड। इसमें मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको 10 तारीख तक 19,000 का लक्ष्य दिया, ये मुझे बताया गया कल तय हुआ था जवाब से मीटिंग में, तो इसमें आपको बता दिया गया है इसको हम कैसे करेंगे, लेट अस डिवाइस वेज एंड मींस। तो लगा दे ये किया है, तुम बाहर से आनी मशीन को इसको इतना टाइम लगेगा, 20,000 का टारगेट दिया है, उसमें लगभग 26,000 हमें RT-PCR से और 1,500 हमें ट्रूनेट मशीन से करना है। ट्रूनेट के भी सभी लोग को आज बुलाया गया है जो कि उनसे भी आ रहे हैं, उनसे कहाँ कहाँ संभावना है, तो अच्छी खासी संभावना, हमें टारगेट लगभग 2,500 बढ़ाना है, लेकिन लगभग 5,000 की